आपका K4 ये जो है ड्यू टू दी स्प्रिंग, ये जो टॉर्क K4 है वो एक रिस्टेनिंग टॉर्क है, और इसका ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग होता है। तो जब आपका रिले वर्ज ऑफ ऑपरेशन में रहेगा, वर्ज ऑफ ऑपरेशन से क्या कहने का मतलब है कि वो अपने कगार पे होगा, एंड पे होगा, है ना। तो उस मोमेंट में हम क्या करते हैं, इस K4 को, ठीक है, इस K4 को क्या कंसिडर करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो जब वो अपने एक्सट्रीम में होगा, जब अपने लिमिट में होगा, मतलब इस ऑपरेशन में, तो स्प्रिंग का जो आपका टॉर्क है उसको अपन क्या काम कहेंगे, जीरो कंसिडर करेंगे। तो टॉर्क जो नेट टॉर्क होगा इम्पीडेंस रिले का, वो क्या हो जाएगा, K1I² - K2V²। तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी भी रिले के लिए टॉर्क इक्वेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय दी विद दी हेल्प ऑफ दिस यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। इसलिए इसको हम यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें सर, इसमें ये जो डायरेक्शनल एलिमेंट है ये कैसे आया है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो डायरेक्शनल एलिमेंट है इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, ये क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो टॉर्क होता है, टी इज प्रोपोर्शनल टू 5V 5I cos 5, सॉरी cos नहीं, साइन आएगा, sin 5 + θ, ठीक है। ये होता है हमारा टॉर्क का इक्वेशन। तो अब ये टॉर्क इक्वेशन है, तो अब हम क्या करते हैं कि एक फेजर डायग्राम लेके चलते हैं, एक फेजर डायग्राम कंसिडर कर रहे हैं। इस फेजर डायग्राम में क्या है, आपका दो ही एलिमेंट्स अपन है हमारे पास, जो है सबसे पहले ये एक वोल्टेज है और एक करंट है। करंट क्या है कि वोल्टेज से लीड कर रहा है, कितना डिग्री, थीटा डिग्री लीड कर रहा है। करंट जो है ये है आपका नेट करंट, थीटा डिग्री लीड कर रहा है। अब बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज देर विल बी अ फ्लक्स 5V, ठीक है, 5V। ये क्या है, ये भी अपना रेफरेंस है, ठीक है। तो ये जो 5V है ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है बाय एन एंगल फाइव, ठीक। तो 5V अब I के रेस्पेक्ट में ही आपको क्या मिलेगा, 5I। अब क्योंकि हम जानते हैं कि टॉर्क आपको मैक्सिमम कब मिलेगा, साइन के केस में, जब 5 + θ जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब आपका 5 + θ कितना होगा, 90 डिग्री। तो चूंकि ये तो है आपका less than 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन खींचते हैं। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये है मैक्सिमम टॉर्क लाइन, और इससे जो एंगल बन रहा है वी के साथ, वो जो एंगल है वो है टाउ। टाउ को क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम टॉर्क एंगल या फिर टॉर्क एंगल, मैक्सिमम टॉर्क एंगल ही बोलेंगे क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क लाइन है वो, ठीक है। अब इसमें और चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क है वो हमको यहाँ से मिल रहा है, टी इज प्रोपोर्शनल टू 5V 5I sin 5 + θ। अब हमारा ये जो 5V है, ये हमको, ये हमारा जो ये टॉर्क है ना, ये जो हमारा टॉर्क है ये हमको जीरो कब मिलेगा, जब sin 5 + θ = 0 होगा। और ये तभी जीरो होगा, साइन में जीरो तभी आता है जब sin 0 और 180 इन दोनों में से कोई एक वैल्यूज के लिए क्या होता है, जीरो वैल्यू आती है। तो ये जीरो होगा, ये जब जीरो हो जाएगा तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि 5 + θ = 0 रहे या फिर 180 रहे, तो आपको क्या हो मिलेगा, टॉर्क जीरो मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है इस सेंटर लाइन के, वो ऑपरेटिंग रीजन में होगा, और ये जो है वो नॉन ऑपरेटिव रहेगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रीस्ट्रेनिंग रीजन, ठीक है। ये तो आपको पूरा का पूरा फेजर डायग्राम क्लियर हो गया होगा, पिक्चर पूरा।
इसको बोलते हैं जीरो टॉर्क लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, जीरो टॉर्क लाइन, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या हो गया आपका, जीरो टॉर्क लाइन है, ये जो है आपका मैक्सिमम टॉर्क लाइन है, ये जीरो टॉर्क लाइन है, ठीक है, ये रेफरेंस वोल्टेज है। अब इस साइड जाएंगे तो ऑपरेटिंग रीजन है, ये नॉन ऑपरेटिंग है या फिर रीस्ट्रेनिंग रीजन है। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि फाइ वी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फाइ के, और फाइ आई जो प्रोपोर्शनल होता है आई के। अब अपन जा रहे हैं आगे, देख रहे हैं कि जो डायरेक्शनल एलिमेंट है वो ऑपरेट करेगा जब आपका करंट फेजर जो है वो लाई करेगा प्लस माइनस 90 डिग्री पे, विद इन प्लस माइनस 90 डिग्री, ठीक है, मतलब या तो प्लस 90 पे रहे या माइनस 90, समझ में आ रहा है। अब इफ इसकी जो वैल्यू है वो मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री से कम है, और अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो क्या होगा, रीस्ट्रेन करना शुरू होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क एंगल बिटवीन जो टाउ है आपका बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज वन एट विच रिले डेवलप द मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क एंगल क्या होता है, वह एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जिस पर हमको क्या मिलता है, रिले क्या डेवलप करता है, मैक्सिमम टॉर्क डेवलप करता है। तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि phi is equals to 90 minus tau, phi is equals to 90 minus tau बोल सकते हैं। तो अब t is proportional to phi v phi i sin phi plus theta, ये आएगा। नेक्स्ट पेज निकल